अस्सलामुअलैकुम, मैं आपके साथ फरजाना चाहे और क्या हाल हैं, कैसे हैं आज जी। इतफाक से अचानक से जो है वो छुट्टी का जो है वो कराची में ऐलान हो गया है 9 नवंबर की, तो तमाम बच्चे स्कूल में, स्कूलों की छुट्टी, सॉरी, तो तमाम इदारों की मेरे ख्याल में छुट्टी है, तो सभी घर पर ही हैं, जिस वजह से थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं सुबह सुबह में बना देती हूँ। तो आज सफाई भी मैंने थोड़ी सी जल्दी कर ली घर की, ये मेरा घर है और ये मैंने सफाई भी आज कर दी है, थोड़ी बहुत रहती है तो वो मैंने कहा इंशाल्लाह बाद में करती हूँ, नाश्ता वाश्ता कर लूँ, मैं अब नाश्ता नहीं किया। ये मेरे बेटे की टॉयज हैं, तो ये वाला बहुत पसंद है तो वो खुश भी होता है, उसको घुमाता रहता है बस, जैसे ये इसकी कोई चाची मामी है या उसकी कोई कज़न है, बच्चे बस निकाल देते हैं बस इसके अंदर रख देते हैं। उसके बाद ये सहन है ये मेरा, ये सारे इनके चूज़े हैं, अभी तो पता नहीं कब बड़े होंगे। ये सफाई मेरी हो गई मैक्सिमम डन, चाय मेरी पक गई, ये चाय मैंने बना ली थी, मैंने कहा चले चाय बना के नाश्ता करते हैं रेडी, थोड़ा बहुत काम कर लिया है, थोड़ा बहुत काम रहता है अभी भी। और आप लोग सुना आज का दिन आपका कैसा रहेगा, संडे का स्पेशल, संडे का नहीं सॉरी वह तो वेनसडे, लेकिन ये है कि छुट्टी है तो बस खामोशी है, गली में शोर होना शुरू हो गया है और सफाई कर लूँ मैंने कहा जब तक वो लोग बाहर से होकर आए, तीनों ही गए, मेरे हस्बैंड भी घर पर हैं आज और हमें बच्चे भी घर पर ही हैं आज, तो बस टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा जब तक वो नहीं आते तो हम थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। और आप लोग किस तरीके से चाय बनाते हैं, हम लोग दूध की चाय, डब्बे की चाय पीते हैं जैसे कराची में, और बस चीनी पत्ती पानी डाला और रख दिया, आराम से पकती रही फिर बस फिर उतार दिया, मुझे लगता है इसमें पत्ती थोड़ी सी कम लग रही है, ये वीडियो में ऐसी आ रही है, ऐसा ही है मेरे ख्याल में। नाश्ते का टाइम हो गया है और उनके कपड़े धोने में हैं, सफाई हो चुकी है और ये देखें उसकी चीज़ें, क्योंकि उनकी सही रात काम करते रहते हैं बेचारे, अभी निकाला था थोड़ी देर खेले कूदे फिर अंदर चले गए, अभी करे फिर निकालू, गंद बहुत करते हैं सजा से। तीतर भी हैं मेरे हस्बैंड के, देखें तीतर, उसको शौक है इनका रखने का, तो बोले बस चिड़ियाघर बना दिया घर को, बस ठीक है। और जी क्या हो रहा है, कोई कमेंट, कोई रिप्लाई, कोई तो कुछ कर दे, कुछ करता भी तो नहीं, हम वेट करते रहते हैं किसी का कोई जवाब आएगा, कोई तो मुझे भी लाइक करे, कोई मुझे भी कमेंट करे, मेरे पास कोई ख़ास टॉपिक होता नहीं। आप बताएं कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, घर के हवाले से, बाहर के, मैं बाहर जाती नहीं, घर पर ही रहती हूँ, तो सारा कुछ तो है मेरे हस्बैंड ही डील करते हैं, सब कुछ वही करते हैं, मैं नहीं जाती ना मेरा कोई काम है। आप लोग बताएं, आप लोग जो हाउस वाइफ हैं वो क्या क्या करती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं और किस तरीके से जो है वो मैनेज करती हैं अपने घर को। मेरा तो आराम से हो जाएगा कि थोड़ा छोटा सा घर है, वहाँ झाड़ू लगाया, वहाँ सफाई की और हो गया, चलते फिरते वीडियो बना रही हैं ताकि सबको आइडिया हो कि ये मेरा शोरूम है, छोटा सा है रूम, बट ये इतना ख़ास नहीं है, तो मैं इसका शौक नहीं करती, बिछाया हुआ है सब कुछ लेकिन तो ख़ास नहीं है, लगता है वो आ गए। चलें जी, मैं मुझे बताएं, कमेंट करें जी, मैं किस तरीके से वीडियो बना रही हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, मोटिवेट करें मुझे, क्योंकि मुझे कुछ इतना आता नहीं है, लोग इतना समझते नहीं हैं, ये कौन सी वीडियो बनाए, ऐसे थोड़ी बनाए, तो मुझे प्लीज़ मोटिवेट करें, ऐसे नहीं ऐसे गाइड करें, जिनको व्लॉगर या वीडियो बनाने में मसला होता है, जिनको कोई तकलीफ़ होती है या वो हिम्मत हार जाती हैं, हौसला देती हैं, हौसला दे मुझे, तो उनके बाद में भी हार जाती है, इंशाल्लाह कल बात करेंगे, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, आगे।